क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी एंड जर्नल एंट्री वीडियो 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ट्रांजैक्शन पास द जर्नल एंट्रीज एंड आल्सो शो which accounts has been affected. क्लियर, ये आपको देखना है। अब ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मैं इस पर बहुत टाइम लूँगा, आई विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अगर ये 22 पॉइंट है इस क्वेश्चन में, अगर 22 पॉइंट आपको समझ में आ गया तो पूरा अकाउंट्स ख़त्म हो गया, पूरा अकाउंट्स। ओके, तो डेबिट और क्रेडिट का आइटम यहाँ पे टंगा हुआ है, रूल्स चारों यहाँ पे टंगे हुए हैं। तो गेम का रूल आपको तो समझ में आ गया होगा। हाँ बोलिए, हाँ। सो यू नो द रूल्स ऑफ द गेम, दैट्स डेबिट आइटम, क्रेडिट आइटम एंड व्हाट द फोर रूल्स। दैट्स क्लियर। यही इसकी दुनिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जीत सको अपनी ज़िंदगी में तो जितना जीत सको। आप पैसे नहीं जीतोगे, पॉइंट जीतोगे, क्योंकि आप अभी 18 साल के अच्छा हो गए हैं क्या, ठीक है, वो आपके ऊपर है, जो भी ले लो। एक एक ट्रांजैक्शन यहाँ आता जाएगा और हम उसको यहाँ पे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, और यहीं पे मैं सोल्यूशन कराते हुए निकल जाऊँगा। अब हम इसको जनरलाइज यहाँ कर रहे हैं, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, अमाउंट, ठीक है, इम्पैक्ट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट क्लियर है, समझिएगा अच्छी तरह से। ये भी क्वेश्चन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन समझाने के लिए करूँगा और उसके बाद बिल्कुल फॉर्मेट में, यानी जर्नल के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन आप करेंगे, मैं नहीं, और आप कर लेंगे। पहला ट्रांजैक्शन क्या है आप देखिए, ड्रॉइंग कैश, बढ़िया बात है। अब बताओ, अब यहाँ पे लिखा 1 और हमने लिखा ट्रांजैक्शन ड्राइंग कैश, हाउ मच, 500। तो ड्राइंग ऑफ कैश 500 यहाँ आ गया। इम्पैक्ट क्या हुआ बताओ, देखो ध्यान से समझना, ये कंपनी है, कंपनी में से प्रमोटर ने या बिजनेसमैन ने या ऑनर ने, यानी कि अगर ये आर लिमिटेड है और इसके मालिक राव हैं, तो राव द ऑनर ने बिजनेस में से निकाल लिया कैश। तो बिजनेस में बताओ, कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कैश गोज अप हुआ या गोज डाउन हुआ, बताओ। मिस्टर राव ने इसमें से 500 रुपया निकाल लिया, तो इसमें कैश नीचे आया या ऊपर हुआ, बताओ बताओ क्या हुआ, बताओ व्हाट हैपेंड। बिजनेस में कैश नीचे हुआ, उसके बाद किसके बदले में आया, ड्राइंग के बदले में। तो हम ड्राइंग अकाउंट अलग से खोलेंगे, ड्राइंग अफेक्टेड हुआ। तो ड्राइंग का मतलब है बिजनेस से जब चीज़ें बाहर निकलती हैं तो उसको ड्राइंग कहते हैं। जब बिजनेस से बाहर निकलती हैं चीज़ें तो उसको ड्राइंग कहते हैं। जब बिजनेस से बाहर निकलती हैं चीज़ें तो ड्राइंग होती हैं। ये बिजनेस से बाहर, प्रमोटर किसके द्वारा, बिजनेस से बाहर होती हैं बाय द प्रमोटर, यानी बिजनेस से हमेशा के लिए निकल गया, राइट, बिजनेस से विड्रॉल हो गया। तो अगर प्रमोटर राव द ऑनर आर लिमिटेड से कैश निकालते हैं तो कैश विड्रॉल हुआ, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। मेरी बात समझ रहे हो ना, पर्सनल यूज के लिए। तो आर लिमिटेड से या आर कंपनी से या मेसर्स आर एंटरप्राइजेज से कुछ भी रख लो, कुछ भी पैसा। मैं क्यों ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फैक्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, यही फैक्ट अकाउंट्स की दुनिया में अभी से लेके अंत तक होगा, आदि से लेके अंत तक। भगवान शिव की तरह यही अकाउंट्स है, आदि भी यही है, अंत भी यही है। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी यही फंडा है, पार्टनरशिप में भी यही फंडा है, कंपनी में भी यही फंडा है। इसीलिए मैं कंपनी का नाम बदल बदल के बता रहा हूँ। तो ये जो कानून पढ़ रहे हो, ये हर चैप्टर के लिए है, हर ट्रांजैक्शन के लिए है, हर तरह के एंटिटी के लिए है। आगे चाहे हम कंपनी पढ़ें, चाहे हम पार्टनरशिप पर हैं, चाहे हम सिंगल एंट्रिक पर हैं, चाहे हम सोल प्रोप्राइटरशिप पर हैं, रूल्स यही लगेगा। इस बात को लिख के रख लो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सो ध्यान से समझना, ये आर एंड कंपनी है, उसके मालक जो हैं ये मिस्टर राव द ऑनर हैं। इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला या गुड्स निकाला, तो उसको क्या कहोगे? उसको ड्राइंग कहोगे। अगर आर द ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाला, चाहे कैश निकाला, चाहे वॉट, चाहे वो गुड्स निकाला, मकसद क्या है? पर्सनल यूज। तो ड्राइंग का मतलब ही है कि ऑनर ने या प्रमोटर ने या पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया? पर्सनल यूज के लिए क्या किया? निकाला। तो बिजनेस में वो चीज़ कम हो गई। एंड रीज़न क्या है? ड्राइंग। ध्यान से देखना, ये ड्राइंग जब मैं आपको लेजर अकाउंट कराऊंगा और ट्रायल बैलेंस कराऊंगा तो मैं बोलूंगा कि ये कैपिटल से एडजस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब मिस्टर राव ने, राव द ऑनर ने बिजनेस में डाला तो कैपिटल बढ़ गया, राइट। जब निकाला तो कैपिटल घटना चाहिए, बट हर बार नहीं कर सकते क्योंकि कई बार ड्राइंग हर मंथ होता है। हर मंथ आप कैपिटल अकाउंट को थोड़े ही टच करोगे, एवरी मंथ यू कांट टच। सो हम क्या करेंगे? ड्राइंग का अकाउंट बनाते जाएंगे, लास्ट में हम उसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। अंडर द जनरल प्रॉपर मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसफर एंट्री। मैं बेसिक आपका पूरा का पूरा 11th क्लास में क्लियर करके जाऊँगा और मैं गारंटी देता हूँ कि 12th में आप सीधा सवाल निकालोगे, सीए फाउंडेशन में सीधा सवाल निकालोगे, सीए इंटर का सवाल निकालोगे। और 11th में अगर आप बढ़िया से सीख लिए और आपका दीदी और भैया सीए इंटर में पढ़ रहा हो, मज़ा आएगा जब उनके अकाउंट्स का सवाल लेके आप खटाक कर दोगे। कितना मज़ा आएगा ना? मान लो कि आप 11th में हो, आपके दीदी या भैया सीए इंटर में है और उसका सवाल निकाल के, उसका आप निकाल के क्वेश्चन आप सीधा बोलते हैं ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये तो मज़ा आएगा ना, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट कितनी बढ़ जाएगी ना। और उस समय थोड़ी सी रेस्पेक्ट मुझे भी दे देना। ये मैं नहीं कहता कि आप वो बोलना कि सिर्फ राठौर एनी टाइम क्लास वालों के कारण मेरा ऐसा मत कहो, काबिलियत तो आप ही की है ना। सो हमें बहुत ध्यान से समझना है, सिर्फ जनरल एंट्री पास नहीं करनी। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसा करना है। तो अब क्या हुआ? इस ट्रांजैक्शन को देखो, 500 रुपीज़ से मिस्टर राव ने क्या किया है? निकाल लिया। क्या किया? निकाल लिया। तो बिजनेस में क्या हुआ? कैश नीचे आया। कारण क्या है? ड्राइंग। सो इम्पैक्ट क्या हुआ? ड्राइंग इंक्रीजेज एंड कैश डिक्रीजेज। ड्राइंग इंक्रीजेज एंड कैश डिक्रीजेज। ड्राइंग इंक्रीजेज एंड कैश व्हाट? डिक्रीजेज। एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। तो जब कैश नीचे आएगा, कैश किसका आइटम है? देखो, डेबिट का। तो एनी ट्रांजेक्शन विच हैज़ गॉट इम्पैक्ट टू डिक्रीज द डेबिट आइटम, द डेबिट आइटम विल बी क्रेडिटेड। ड्राइंग है, बिजनेस के लिए खर्चा नहीं बोल सकते, बाद में एडजस्ट होगा। तो ड्राइंग है, राइट सर। तो एंट्री क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। नरेशन में लिखेंगे बीइंग ड्राइंग मेड बाय प्रमोटर और मेड बाय द ऑनर, कुछ भी। यानी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री हो गई। एम आई क्लियर? अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्वेश्चन क्या कहता है? गुड्स ड्रू बाय ऑनर। गुड्स ड्रू बाय ऑनर, गुड्स। बस ये ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं आराम से। अब इसको एनालाइज करो। गुड्स ड्रू बाय ऑनर 200, गुड्स ड्रू बाय ऑनर 200। इम्पैक्ट देखो क्या पड़ा? गुड्स कम हो गया। क्या हो गया? गुड्स कम हुआ एंड ड्राइंग इंक्रीज हो गया। अब बताओ, गुड्स किसका आइटम है? डेबिट का आइटम है या क्रेडिट का? डेबिट का। लेकिन गुड्स को आमतौर पे 11th स्टैंडर्ड पे, 12th स्टैंडर्ड पे, सीए फाउंडेशन स्टैंडर्ड पे आप क्या कहोगे? परचेज। मैं इसकी इंट्रेसिटी में नहीं जाना। कंपनी कुछ भी चीज़ खरीदती है बेचने के लिए, उसको परचेज अकाउंट में बुक करते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ खरीदती है तो वो अपने इंडिविजुअल नाम से बुक होता है। बुक होने का मतलब होता है रिकॉर्ड होना। बुक होने का मतलब होता है रिकॉर्ड होना। तो बहुत सिंपल सी सवाल यहाँ निकल के आता है कि कंपनी के मालक राव, लाइक राव द ऑनर, राव द ऑनर ने क्या किया, राव द ऑनर ने गुड्स निकाला, कितने का, 200 रुपीज का, 200 रुपीज का। तो जब भी गुड्स आएगा, गुड्स परचेज हुआ या गुड सेल हुआ या गुड विड्रॉ हुआ या गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ या गुड्स पे कुछ करा, तो आप गुड्स के बदले आप अकाउंट मेंटेन करेंगे, परचेज अकाउंट। तो गुड्स इक्विवेलेंट टू परचेज अकाउंट, गुड्स परचेज अकाउंट, गुड्स परचेज अकाउंट, गुड्स परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट रिप्रेजेंट गुड्स, 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 परचेज अकाउंट रिप्रेजेंट गुड्स। Am I clear? Am I clear? Absolutely clear, right? तो अब क्या हुआ, गुड्स नीचे आ गया, यानी परचेज नीचे आ गया, क्योंकि जब खरीदा था तो परचेज डेबिट था, तो परचेज गोज डाउन एंड ड्रॉइंग गोज अप। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, ड्रॉइंग इंक्रीजेज एंड परचेज डिक्रीजेज, परचेज डिक्रीजेज। तो एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 200, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 200 टू परचेज अकाउंट, हाउ मच, 200। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स विड्रू बाय द ऑनर, सिंपल। तो आपने इस पॉइंट में क्या सीखा, आपने सिर्फ ये बात सीखा, यहाँ पे इस बात को आपने सीखा, यू हैव अंडरस्टूड दैट, कि गुड्स विड्रॉ हुआ है या ड्राइंग हुआ है, इसका मतलब पार्टनर्स ने निकाला है। तो कई बार बोलता है पर्सनल यूज बाय द पार्टनर, बाय द ऑनर, बाय द प्रमोटर, बाय द कुछ भी बोल सकता है। तो जब पर्सनल यूज के लिए निकाला गया तो दैट नोन एज व्हाट, ड्राइंग। क्लियर? अब आता है ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या है, डेटर्स अमाउंट, डेटर्स अमाउंट 600 सेटल्ड फॉर 400। ठीक है, ट्रांजैक्शन यहाँ आप देख रहे हैं, डेटर्स अमाउंट 600 सेटल्ड फॉर 400, यहाँ पे आ रहा है सेटल्ड फॉर 400, एब्सोल्युटली क्लियर। अब ध्यान से देखो क्या, कौन कौन सा इफेक्ट हुआ, बताओ किस पे इम्पैक्ट पड़ा। डेटर नीचे आ गया, कैश ऊपर हो गया, और साथ में लॉस हुआ, डिस्काउंट अलाउड हुआ। कैसे, 600 रुपया का डेटर था, डेटर आपको पता है कौन होता है, डेटर यू नो वेरी वेल, आई हैव एक्सप्लेन्ड, जिससे पैसा आपको लेना है, यानी जिससे कंपनी को लेना है वो क्या है, डेटर है, और जिसको कंपनी को देना है वो कंपनी का क्रेडिटर है। आप कंपनी की नज़र से देखना, कंपनी के नज़र से देखना, कंपनी को लेना है तो डेटर है, कंपनी को देना है तो क्रेडिटर है, दैट यू नो वेरी वेल। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, एक छोटी सी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। तो उसे लेना था कितना, 600 रुपया, वो कहता है भैया 400 रुपये में सेटल करो, तो 400 रुपये में। तो क्या हुआ, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज ऑफ दिस कैश गोज अप, देन लॉस गोज अप, एंड देन एसेट गोज डाउन, डेटर गोज डाउन, यही अफेक्टेड है। तो अफेक्टेड आइटम है कैश, डिस्काउंट एंड डेटर। एंट्री कैसे करोगे, अब देखो कैश किसका आइटम है, डेबिट का, गोज अप तो डेबिट होगा। डिस्काउंट किसका आइटम है, डेबिट का, लॉस दिख रहा है ना, लॉस, तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। डेटर किसका आइटम है, डेबिट का, क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू डेटर्स अकाउंट 600। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग डेटर्स आर सेटल्ड विद द डिस्काउंट ऑफ ₹200, यानी जस्ट ट्रांजैक्शन को ही आप क्या कर दो, आप ट्रांजैक्शन को ही नरेशन में डाल दो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या है, क्रेडिटर अमाउंट 700 सेटल्ड फॉर 600। ट्रांजैक्शन दिख रहा है, क्रेडिटर्स अमाउंट 700 सेटल्ड फॉर 600, सेटल फॉर व्हाट, 600। ठीक है ना, बढ़िया बात है। इम्पैक्ट देखो, इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा, क्रेडिटर जिससे 700 रुपया लेना था कंपनी को, वो कह रहा है कि भैया छोटी सी बात है, तुम मुझे 600 रुपया दे दो, मैं अपना काम चला लूँगा, मतलब कि फाइनल करो, सेटलमेंट करो। तो बताओ क्रेडिटर गोज डाउन, कितना से क्रेडिटर डाउन हो रहा है 700 से, लेकिन कैश गोज डाउन कितना से जा रहा है 600 से, इनकम गोज अप कितना से 100 से, बिकॉज डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ वॉट, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ वॉट, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ इनकम। सो ध्यान से देखना क्या इंपैक्ट पड़ा, क्रेडिटर गोज डाउन, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम गोज अप, कैश गोज डाउन, सिंपल इंपैक्ट ये आ रहा है। तो आप सिंपल एंट्री मारो, क्रेडिटर गोज डाउन कितना से 700 से, क्रेडिटर किसका आइटम है क्रेडिट साइड का, गोज डाउन तो क्या होगा डेबिट, सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 700, इनकम गोज अप तो क्रेडिट होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100, टू कैश हाउ मच 600, ट्रांजैक्शन में क्या होगा बीइंग क्रेडिटेड सेटल्ड विथ डिस्काउंट। तो एंट्री क्या हो गई, क्रेडिटर क्रेडिट का आइटम है नीचे गया डेबिट हुआ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम गोज अप विल बी क्रेडिटेड, टू कैश एसेट गोज डाउन विल बी क्रेडिटेड 600, सो एंट्री इज व्हाट, क्रेडिटेड अकाउंट डेबिट 700, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 एंड टू कैश अकाउंट हाउ मच 600। नरेशन में वही ट्रांजैक्शन आ जाएगा, बीइंग क्रेडिटर इज सेटल्ड विद द डिस्काउंट। That's a very simple point what we understand here. Am I clear? अब देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 5, ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सी द क्रेडिटर, ठीक है, वर्थ रुपीज 2000, वर्थ रुपीज हाउ मच 2000, करेक्ट। अब देखो कंपनी ने सी द क्रेडिटर से 2000 रुपया का सामान खरीदा उधार पे, कैसे पता लगा उधार पे है, बिकॉज सी द क्रेडिटर का नाम है, सी द क्रेडिटर का नाम है, अगर इंडिविजुअल नाम दे दे तो इसका मतलब है कि उधार पे खरीदा गया क्रेडिट पे खरीदा गया। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हुए, इम्पैक्टेड हुए, पहला जो इम्पैक्टेड हुआ वो परचेज और दूसरा जो इम्पैक्टेड हुआ वो क्रेडिटर मतलब कि लायबिलिटीज, करेक्ट। नेचर देखिए, परचेज किसका आइटम है डेबिट का, एंड क्रेडिटर किसका आइटम है क्रेडिट का। रूल क्या कहता है, व्हेन परचेज गोज अप विल बी डेबिटेड एंड व्हेन द क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटीज गोज अप विल बी क्रेडिटेड। तो जनरल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट, सी द क्रेडिटर अकाउंट, सी द क्रेडिटर अकाउंट 2000, करेक्ट। नरेशन क्या होगा, बीइंग द परचेज मेड फ्रॉम सी द क्रेडिटर, दैट्स ऑल। ये आपको ध्यान रखना है सीधा। तो आपको एक एक चीज समझ में आ रहा है, आराम से समझिए, और अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए तो दुनिया के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हमने इसमें डालने की कोशिश किया है। उसके बाद ये क्वेश्चन लॉलीपॉप होगा, ये पूरा अकाउंट्स लॉलीपॉप होगा, पूरा फॉरगेट अबाउट द जर्नल चैप्टर, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, सिंगल एंट्री, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सब आपके मुट्ठी में होगा, क्योंकि उन सारे चैप्टर में यही करने हैं, राइट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज रिटर्न टू सी द क्रेडिटर ₹400, मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन अब यहाँ आ गया। समझिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने यानी आर लिमिटेड ने या आर एंटरप्राइज ने क्या किया, सी द क्रेडिटर को गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी जो परचेज किया था उसको वापस कर दिया। अब जो परचेज किया था उसको वापस कर दिया तो क्या इफेक्ट हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, क्या हुआ परचेज रिटर्न हुआ, और जो सी द क्रेडिटर लायबिलिटीज में खड़ा था वो लायबिलिटीज कम हो गई, लायबिलिटीज कम हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, आपके दिमाग में एक और भी बात चल रही होगी और चलनी भी चाहिए कि सर गुड्स भी तो कम हुआ, क्योंकि गुड्स वापस किया, राइट, गुड्स वापस गया। लेकिन दस्तूर है अकाउंटिंग की दुनिया का कि परचेज रिटर्न को राइट, परचेज रिटर्न को हम परचेज रिटर्न के नाम से लिखेंगे एंड आखिरी में जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इस टोटल परचेज रिटर्न को परचेज से माइनस करेंगे। मतलब समझ में आया? आपके जो जहन में विचार आए थे वो बिल्कुल सही थे, तंदुरुस्त थे, मस्त थे। क्योंकि ये बात दिमाग में आया कि सर गुड्स तो वापस गया तो गुड्स कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए, कम होगा भी, लेकिन अभी इसका नाम अलग दे देते हैं। और कलेक्टिव, चूँकि ये क्या है कि बार बार परचेज अकाउंट को मत छेड़ो, जब वापस जा रहा है तो जितनी बार वापस जाता है जाने दो, साल के अंत में, ईयर के एंड में देख लेंगे कि परचेज रिटर्न टोटल कितना हुआ है, देन टोटल परचेज में से टोटल परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे और वो फाइनली आपके फाइनल अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपके विचार में आया, आपके जहन में आया, आपके दिमाग में आया कि परचेज रिटर्न में गुड्स कम होता है तो बिल्कुल सही आया, लेकिन अभी हम उसके प्रति आंख बंद कर देंगे। रदर जितना जितना रिटर्न हो रहा है उसके लिए एक नया नाम रखेंगे, यानी परचेज अकाउंट में वही रखेंगे जितना पहले था उतना ही रखेंगे, लेकिन जो जो सामान जा रहा है उसको अलग से परचेज रिटर्न अकाउंट में डालते जाएंगे, रिटर्न अकाउंट में डालते जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, कई बुक कीपिंग के बुक्स परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से माल वापस जा रहा है, गुड्स वापस जा रहा है, तो इसका नाम रिटर्न आउटवर्ड भी होता है। सो परचेज रिटर्न इज ऑल्सो इक्वल टू रिटर्न outward, purchase return is also equal to return outward, purchase return is also equal to return outward, purchase return is also equal to return outward। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आनी चाहिए, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो बेटा एक सिंपल सा सवाल है, आपके जो ध्यान में बात आई थी वही सही है, आपके जो जहन में बात आई थी वही सही है, वो बिल्कुल वही बात होनी चाहिए भी और है भी कि गुड्स जा रहा है, लेकिन हम रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में दिखाएंगे और साल के अंत में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेंगे उस समय, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो हम परचेज में से माइनस करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई। तो परचेज रिटर्न टू सी द क्रिएटर हुआ, परचेज रिटर्न टू सी द क्रिएटर जो हुआ 400 रुपया का, तो 400 रुपया का गुड्स यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो एक नया अकाउंट खुलेगा यहाँ पे, परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, आपको पता है, अच्छी तरह से ये बात पता है। तो ये कौन से अकाउंट को अफेक्ट किया? इसने अफेक्ट किया सी द क्रेडिटर को एंड इसने अफेक्ट किया परचेज रिटर्न को। यानी कि जो गुड्स वापस गया वो अभी गुड्स से नहीं एडजस्ट होगा, उसका नाम होगा परचेज रिटर्न। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री होगा सी द क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 400 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 400। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग परचेज रिटर्न्ड, बीइंग परचेज रिटर्न्ड। इज दैट क्लियर? सो कभी भी परचेज रिटर्न की जब बारी आए तो हमेशा याद रखना कि परचेज रिटर्न नाम की अलग से अकाउंट खोली जाएगी जिसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है। रिटर्न आउटवर्ड क्यों? क्योंकि सामान कंपनी से बाहर जा रहा है तो इसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड। तो दो वर्ड होता है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब सेल्स रिटर्न होता है तो उसको रिटर्न इनवर्ड कहते हैं क्योंकि गुड्स अंदर आता है, एंड जब परचेज रिटर्न होता है तो उसको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं क्योंकि गुड्स बाहर जाता है। इज दैट क्लियर? सो मुझे लगता है कि आपको परचेज रिटर्न की बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में आपको एक और बात समझ में आ रही होगी। बोला सर एक बात बताओ, हमने यानी कंपनी ने उधार पे माल लिया था तो सी द क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट था, ठीक है ना? अगर हमने कैश परचेज किया होता और वो रिटर्न हो गया तो क्या एंट्री करेंगे? आपके दिमाग में आ सकता है ना, सोचो आएगा नहीं आएगा। क्योंकि देखिएगा जो ट्रांजैक्शन होंगे और आपके एग्जाम में जो आएंगे वो वही ट्रांजैक्शन होंगे जो आमतौर पे होते हैं, जो नॉर्मल थिंकिंग है। तो आपके दिमाग में थिंकिंग आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक काम करते हैं, एक यहां पर ट्रांजैक्शन आ रहा है, देखिएगा, कैश परचेज फ्रॉम राम 1000 रुपीज। क्या है? कैश परचेज फ्रॉम राम 1000 रुपीज। चलो जी, ट्रांजैक्शन यहाँ आ गया। अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? अब लिखा, राम भी लिख दिया, कैश भी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश में खरीदा गया। तो कौन कौन सा साइड इफेक्ट हुआ, कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? अकाउंट इफेक्ट हुआ दैट इज व्हाट, परचेज अकाउंट। एंड अकाउंट इफेक्ट हुआ कैश अकाउंट, करेक्ट। परचेज डेबिट का आइटम है, गोज अप डेबिट होगा। कैश डेबिट का आइटम है, गोज डाउन क्रेडिट होगा। रूल पता है आपको। नॉर्मल जनरल एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000। एब्सोल्युटली करेक्ट। नरेशन क्या होगा? बिंग कैश परचेज्ड, दैट्स इट, फ्रॉम राम। कैश परचेज है तो कैश पे एंट्री होगा। अब पॉइंट नंबर 8 यानी ट्रांजैक्शन 8 आ गया, कैश परचेज वॉज रिटर्न टू राम फॉर ₹500, यानी कि 500 रुपया का रिटर्न हो गया, 500 रुपया का रिटर्न हो गया। अब यहां पे दिक्कत आ गई। नियम से क्या होना चाहिए कि जब ये माल गया, जब ये गुड्स गया, जब ये गुड्स गया तो क्या हुआ, ये जो राम है इसको 500 रुपया देगा। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, पहले सामान चला जाता है, अकाउंट में उसका नाम मेंटेन कर लिया जाता है, बाद में वो कैश दे देगा। बाद में डिपेंड होगा कि कैश मिलेगा या गुड्स देगा, रिटर्न का पॉलिसी क्या है, बहुत सारा चीज़ है। आप एक दुकानदार के पास जाते हो, कैश में सामान खरीद के लाते हो, जब उसको आप रिटर्न करने जाते हो, कि मान लो आपने शर्ट खरीदा और वो आपको फिट नहीं बैठ रहा है, लाइक यू वेंट टू अ शॉप, बॉट अ शर्ट एंड देन यू केम टू नो कि ये फिट नहीं बैठ रहा है, कलर अच्छा नहीं है, तो आप उसके पास जाते हो, दुकानदार के पास जाते हो और कहते हो रिटर्न कर दो। क्या वो पैसा दे देता है आपको? कई बार दे भी देता है और कई बार नहीं भी देता है। कई बार कहता है इस शर्ट के बदले शर्ट ले लो, शर्ट के बदले पैंट ले लो, उसमें एडजस्ट कर दूंगा, सामान के बदले सामान लो, मैं पैसा नहीं दूंगा। कई बार ऐसा होता है ना। डिपेंड करता है कि उसकी पॉलिसी क्या है, डिपेंड करता है कि उसकी पॉलिसी क्या है, व्हाट इज़ द पॉलिसी, दैट इज़ द पॉइंट। तो आज के दिन में आप पॉलिसी के लिए तो लड़ोगे नहीं ना, जो क्रिएटर है उसके पॉलिसी से लड़ोगे नहीं, या जिसे सामान खरीदे हो, आपने कैश दिए हो, आपने कैश दिया है, तो आप तो लड़ोगे नहीं। तो आज क्या एंट्री मारोगे? आज एंट्री मारोगे, एक बात तो निश्चित है कि परचेज रिटर्न हो गया। अब आज के दिन क्या करोगे, राम को आप ऐसा करोगे कि राम से आपको लेना है तो उसको डेटर की तरह ट्रीट करोगे, अब उसको एसेट की तरह ट्रीट करोगे। एसेट हो गया ना, फिर सही। डेटर तो वो होता है जिसको आपने क्रेडिट सेल किया, लेकिन ये क्या हुआ, इससे भी पैसे लेने हैं, तो इसको डेटर नहीं कहोगे, लेकिन आप उसको डेबिट कहोगे, कि उसको डेबिट कर लो। डेबिट करने का मतलब उसे लेना है, डेबिट करने का मतलब उसे लेना है, डेबिट का मतलब लेना है, यानी कंपनी की लेनदारी बन गई, कंपनी की लेनदारी बन गई, कंपनी की लेनदारी बन गई। तो क्या एंट्री करेंगे, राम अकाउंट डेबिट 500 टू परचेज रिटर्न अकाउंट हाउ मच 500। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बिंग परचेज रिटर्न टू वॉट राम, यानी कि अब उससे हमारी लेनदारी बन गई, यानी कि उससे हमारी लेनदारी बन गई, यानी डेटर की देनदारी बन गई। लेकिन आप किसकी नज़र से सोचोगे, कंपनी के नज़र से सोचोगे, डेटर के नज़र से नहीं सोचोगे। कंपनी को लेना है उसे, कंपनी को लेना है उसे, और ये डेटर नहीं है, उसको हमने क्रेडिट सेल नहीं किया है, रेदर जो उसे हमने ख़रीदा था, माल वापस कर दिया है, कैश में ख़रीदा था लेकिन माल वापस कर दिया है, गुड्स वापस कर दिया है, परचेज रिटर्न हुआ है, यानी कि इससे कैश लेना है या उसके इक्विवेलेंट सामान लेना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, परचेज रिटर्न को तो क्रेडिट कर ही दिया, चूँकि परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा उसके कारण, और साथ में हमने क्या कर दिया, राम के अकाउंट को डेबिट कर दिया। सिंपल फंडा ये है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आता है पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम अगेंस्ट गुड्स रिटर्न्ड। चलो जी यहां आ गया कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम अगेंस्ट गुड्स रिटर्न्ड। राम बड़ा भलमानस आदमी है, वो कहता है मैं एथिकल आदमी हूं, मैं तेरे पैसे लेके क्या करना है यार, तेरे को जमता नहीं है तू वापस कर दे, मैं तेरे को पैसे दे देता हूं। उसने पैसे दे दिया, बात खत्म हो गई जी। कई दुकानदार होते हैं कहते हैं पैसा वापस कर दो, अभी जब सामान खरीद लेते हो सामान नहीं जमा आप लेके जाते हो, कहता ठीक है जी पैसा ले लो। चलो जी राम भी भलमानस है, उसने पैसे दे दिया। अब इससे क्या हुआ, इसे क्या हुआ ध्यान रखो, क्या इफेक्ट पड़ा, इसे ये इफेक्ट पड़ा कि कंपनी के पास, कंपनी के अंदर देखिए सारी एंगल कहाँ से देखना है आपको, कंपनी के अंदर देखना है, सारी एंगल कहाँ से देखना है, कंपनी के अंदर देखना है। सो कैश गोज अप एंड राम गोज डाउन, क्योंकि राम का अकाउंट जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा। तो 500 से आपने डेबिट किया था, 500 से क्रेडिट कर दोगे वो जीरो हो जाएगा। तो कैश गोज अप विल बी डेबिटेड, राम जो कि रिसीवेबल था उसको हमने क्रेडिट कर दिया तो घट जाएगा, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 500 टू राम अकाउंट 500। नरेशन क्या होगा, कैश रिसीव्ड against the purchase return from cash against cash sales, simple। तो मेरे दोस्त मुझे लगता है कि अब आपसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी सवाल पूछे, अगर क्रेडिट पे परचेज किया था रिटर्न किया तो क्या एंट्री होगा, कैश पे परचेज किया था रिटर्न किया तो क्या एंट्री होगा, कैश पे परचेज किया था रिटर्न होगा, तो दो एंट्री होगा। एक एंट्री यानी कि कहने का मतलब कि क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिटर्न हमारे पास आउटवर्ड या परचेज रिटर्न चला जाएगा, और फिर से जब वो हमें पैसा दे देगा तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। तो इस केस में आमतौर पे जो क्रेडिटर है उसको रिसीवेबल माना जाएगा, चूँकि वो क्रेडिटर है ही नहीं, वो तो एक व्यक्ति है जिसे हमने कैश खरीदा था, तो उसको एज ए रिसीवेबल ट्रीट करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया से इसको आराम से समझना, जेहन में बैठाना। और अब मुझे लगता है कि परचेज रिटर्न के बारे में कोई भी एंट्री आ जाए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आता है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स मेड टू श्याम। कैश सेल्स मेड टू श्याम, अब बताओ 5000 रुपीज़, कैश सेल्स मेड टू श्याम 5000 रुपीज़, कैश सेल्स मेड टू श्याम 5000 रुपीज़। ठीक है जी यहाँ आ गया। अब देखिए कैश सेल है तो यानी कि कैश सेल हो गया, श्याम का नाम है लेकिन बोल रहा है कैश में, मतलब कैश में हुआ है, तो इम्पैक्ट क्या पड़ा, कैश इज अ एसेट, डेबिट का आइटम है, गोज अप विल बी डेबिटेड। सेल्स इज अ व्हाट, रेवेन्यू, क्रेडिट का आइटम है, गोज अप विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, हाउ मच, 5000 5000, जितना अमाउंट का था उतना अमाउंट का हो गया, 5000 था तो 5000 हो गया। That is the point to be understood. There is no problem at all in that. अब narration में क्या लिखोगे? Cash sales made to Shyam worth rupees 5000. बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे next entry आ रहा है और वो देखना transaction number 11. Transaction number 11 है sales returned by Shyam worth rupees 1000. कैश हुआ था, समझ में आई बात। जब आपने एंट्री मारी थी तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया था, उस व्यक्ति का नाम डेटर में नहीं है, वो डेटर में है नहीं, लेकिन उसने माल क्या किया, वापस किया, गुड्स क्या किया, वापस किया, सेल्स रिटर्न हुआ है। अब ध्यान से देखना, जब सेल्स रिटर्न हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी को, आर लिमिटेड को, बनती है देनदारी, किसकी, श्याम की। श्याम को पैसा देना पड़ेगा या कोई गुड्स देना पड़ेगा। तो आज के दिन के लिए इस कंपनी को, से आर लिमिटेड को, श्याम को देनदारी बनती है, यानी आज के दिन में आर लिमिटेड या इस कंपनी की क्या हो गई, लायबिलिटीज बढ़ गई। तो लायबिलिटीज बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 1000 1000। इम्पैक्टेड एंट्री क्या हुआ, इम्पैक्टेड अकाउंट क्या होगा, सेल्स रिटर्न एंड श्याम। तो एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 1000 1000। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब आप भी भलमानस हो, क्योंकि दुनिया के लोग आपसे भलमानस हैं, तो आप भी भलमानस हो। आपने क्या किया, ये 1000 रुपीज़ उसको वापस किया। अब आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या आ रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रहा है कैश पेड टू श्याम फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स 1000, कैश पेड टू श्याम फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स 1000, यानी आपने कैश ही दे दिया। अब क्या हुआ, आपने श्याम को क्रेडिट कर रखा था। अब जब आपने पेमेंट करी तो इससे ट्रांजैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ा, ट्रांजैक्शन पे ये फ़र्क पड़ा कि जो श्याम का अकाउंट क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा और साथ में कैश कम हो जाएगा। तो एंट्री जो अफेक्टेड हुई वो अफेक्टेड हुई श्याम का अकाउंट और अफेक्टेड हुआ कैश। तो जनरल एंट्री होगा श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 1000, बस बात खत्म। ये कैश सेल के था, राइट, कैश सेल के था। अब उसी तरह से हो सकता है कि क्रेडिट सेल भी हो, कुछ भी हो सकता है। दैट इज द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। बस इतना ध्यान रखना कि सेल्स रिटर्न डेबिट का आइटम है, परचेज रिटर्न क्रेडिट का आइटम है। ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। अब आते हैं हमारे पास पॉइंट यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर 13। ट्रांजैक्शन नंबर 13 क्या है, क्रेडिट सेल्स मेड टू डी द डेटर्स 6000 रुपीज़, क्रेडिट सेल्स मेड टू डी द डेटर्स हाउ मच, 6000 रुपीज़। चलो जी, ट्रांजैक्शन यहाँ आ गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ध्यान से देखना। डेटर गोज अप, सेल्स गोज अप। डेटर किसका आइटम है, डेबिट का, गोज अप डेबिट होगा। सेल्स किसका आइटम है, क्रेडिट का, गोज अप क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा, डी द डेटर अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट 6000 रुपीज़, डेटर अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट 6000 रुपीज़। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे नरेशन में, बिंग क्रेडिट सेल्स मेड टू डी द डेटर अकाउंट 6000 रुपीज़। बहुत बढ़िया। अब ट्रांजैक्शन नंबर 14 देखिए, कहता है सेल्स रिटर्न बाय डी, सेल्स रिटर्न बाय डी द डेटर्स 2000 रुपीज़। अब बताओ ये उधार पे गया था या नगद गया था, ये क्रेडिट पे गया था या कैश पे गया था, ये क्रेडिट पे गया था। अब सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और डेटर जो डेबिट में है वो कम हो जाएगा। सो व्हाट हैपेंस, डेटर गोज डाउन विल बी क्रेडिटेड, सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड। तो जनरल एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000 टू डेटर्स अकाउंट 2000, राइट। नरेशन क्या करोगे, बिंग गुड रिटर्न बाय डेटर, बिंग गुड रिटर्न बाय डेटर्स, बिंग गुड रिटर्न बाय व्हाट, डेटर्स, सिंपल। यानी कहने का मतलब अब आपको पता है कि परचेज का एंट्री क्या होगा, आपको पता है परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होगा, आपको पता है परचेज रिटर्न का एंट्री अगर क्रेडिट परचेज है तो क्या होगा, आपको पता है परचेज रिटर्न का एंट्री अगर कैश परचेज है तो क्या होगा, आपको पता है कि सेल्स का एंट्री क्या होगा, आपको पता है कि कैश सेल्स का एंट्री क्या होगा, आपको पता है कि अगर सेल रिटर्न है और वो क्रेडिट सेल पे हुआ था, क्रेडिट सेल हुआ था तो क्या होगा, एंड आपको पता है कि सेल्स रिटर्न है और वो कैश सेल था तो एंट्री क्या होगा। एक एक इम्पैक्ट आपको पता है, एक एक पॉइंट आपको पता है, और ये दुनिया अभी ख़त्म नहीं होगी, आगे हम और सवाल करेंगे। याद रखना कि अभी आप सिर्फ तीसरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हो, आगे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। एकदम अकाउंट्स पानी की तरह साफ हो जाएगा आपको और आपके जहन में बस जाएगा। आपसे एक अकाउंट्स की गलती मैं करने नहीं दूंगा, एक अकाउंट्स की गलती मैं होने नहीं दूंगा आपको, इस बात की हमारी गारंटी है भाई। थारे को समझ में आ रहे मैंने के बोले है, एकदम आप गलती नहीं करोगे, इस बात की हमारी गारंटी है जी। अकाउंट्स में एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा शुरू से लेके अंत तक। मेरा एक ही धर्म है, आपकी अकाउंट्स की बेस को इतनी स्ट्रांग कर देना कि अकाउंट्स में कहीं भी कोई आपको दिक्कत ना हो, ओके। अब आता है ट्रांजैक्शन नंबर 15, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब क्या है कि सिंपल सा सवाल है, कंपनी ने डी द डेटर को बेचा और डेटर भाग गया, डेटर भाग गया तो क्या है, लॉस हो गया ना। तो इसमें क्या होगा, बैड डेब्ट इज अ लॉस, लॉस गोज अप डेबिट, डेटर इज अ एसेट गोज डाउन क्रेडिट। लॉस किसका आइटम है? डेबिट का। डेटर किसका आइटम है? डेबिट का। तो क्या हुआ? लॉस गोज अप डेबिट, डेटर गोज डाउन क्रेडिट। सो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 500 500। तो एंट्री क्या होगा? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट हाउ मच? 500 एंड 500। नरेशन में क्या होगा? बिंग बैड डेब्ट डिक्लेयर हो गया बैड डेब्ट। अब देखना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ बैड डेब्ट रिकवर्ड। ये जो डी दो डेटर है ना, ये खुददार इंसान है, ये कोई मार्केट में अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहता। डी द डेटर्स, मैं भी इस तरह के डेटर का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि ये लोग खुददारी से अपने सेल्फ एस्टीम पे जीते हैं। इन्होंने कहा तूने काहे को मेरे को बैड डेट बोला, मैं वापस करता हूँ, और इसने क्या किया? वापस कर दिया 200 रुपया। बोलेगा सर बाकी का 300 क्या हुआ? बाकी का 300 बाद में देगा, देखेंगे। लेकिन बैड डेट तो हम डिक्लेयर कर ही चुके हैं, डेटर तो खत्म हो ही चुका है, तो हम क्या करेंगे? बैड डेट रिकवर्ड हाउ मच? 200 रुपीज। तो जो 200 रुपया बैड डेट रिकवर्ड हुआ, तो कंपनी की बुक में क्या फर्क पड़ा? कंपनी के अंदर क्या फर्क पड़ा? कंपनी के अंदर कैश 200 से बढ़ गया, एंड इसका नाम हुआ बैड डेट रिकवरी। सो व्हाट हैपेंड? कैश गोज अप विल बी डेबिटेड, बैड डेट रिकवरी इज द इनकम, सो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट विल बी क्रिएटेड। ध्यान से रखिएगा, जब अपन लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे ना, जब अपन लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो बैड डेट रिकवर्ड को इनकम दिखाएंगे। ये इनकम है, चूंकि अपन लोगों ने तो लॉस डिक्लेयर कर दिया था, तभी तो बैड डेट लॉस था, अपन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था लॉस। लेकिन अब अपन लोग क्या बोलेगा? इसको इनकम बोलेगा। तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 200 टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 200। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग बैड डेट रिकवर्ड। सिंपल। यानी कहने का मतलब है ना कि अपन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई भी एंट्री आ जाए। अब जो ये जो है मेथड एकदम क्लियर है। डेबिट का आइटम पता है अपन लोगों ना, फिक्स एसेट, करंट एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट का आइटम अपन को पता है ना, कैपिटल, ऑल लायबिलिटीज, सेल्स, इनकम, प्रॉफिट, गेन। बस अपन को पता है ना, क्रेडिट का आइटम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट का आइटम घटेगा तो डेबिट होगा, डेबिट का आइटम बढ़ेगा तो डेबिट होगा, डेबिट का आइटम घटेगा तो क्रेडिट होगा। बात बलोबर है, इतना ही अपन को समझना है यार। अगर इतना समझने से ज़िंदगी में अगर सक्षमता आता हो, स्किल आता हो, तो मैं इसको ऐसे दिल में बधा लूँ जैसे हनुमान जी ने सीता मैया और श्री राम को अपने जेहन में बैठाया था। एकदम अपन ऐसा बैठा लेगा, क्योंकि अगर पता है कि इतने ही दुनिया से मेरी दुनिया बन रही हो, तो इसकी दुनिया को मैं अपनी दुनिया बना लूँगा, ये मेरा वादा है। और दोस्तों आपको भी बनाना पड़ेगा, एकदम है, खलास है, समझने का है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रहा है, गुड्स गिवन ऑन चैरिटी। गुड्स गिवन ऑन चैरिटी वर्थ रुपीज़ हाउ मच? 50 रुपीज़। अब भैया क्या हुआ? जब गुड्स जा रहा है ना, तो जहाँ जहाँ गुड्स जा रहा है इसका मतलब परचेज नीचे जा रहा है, तो परचेज नीचे चला गया। चैरिटी क्या है? खर्चा है। चैरिटी एक तरह से खर्चा है, हालांकि बिजनेस का खर्चा नहीं है, एक बात ध्यान रखना। अब इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में क्या होगा? जब अपन लोग फाइनल अकाउंट में जाएंगे ना, तो उस समय हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डिस्कस मत करना, यहाँ पर सीधा देखो इम्पैक्ट क्या हुआ, उसको रिकॉर्ड कर मारो, खत्म, वही नाम दे दो जो है। तो क्या हुआ? मानो एक्सपेंस है, लेकिन वास्तविक में अलाउड नहीं है, क्योंकि जब बाद में आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, बहुत सारा चीज़ें पढ़ोगे, तो यहाँ तो आप खर्चा बुक कर देते हो, लेकिन वहाँ पे बोलेगा ये कंपनी का खर्चा ही नहीं है, राइट। तो सिंपल सा सवाल है, क्या है? ऑफकोर्स लॉ, कानून, बहुत सारे चीज़ आएंगे, तब की तब बात देखी जाएगी। अभी तो हमने अकाउंट्स की दुनिया की शुरुआत करी है साहब। सो मान लो खर्चा है, तो एक्सपेंस गोज अप डेबिट, परचेज गोज डाउन क्रेडिट। तो इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा इसका? चैरिटी पे पड़ा एंड परचेज पे पड़ा। तो हम क्या करेंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट 50 टू परचेज अकाउंट 50। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग चैरिटी गिवन, बीइंग चैरिटी गिवन। सिंपल यार, सिंपल, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, बस आपकी दुनिया यहीं तक है। देख रहे हैं ना आप, दुनिया यहीं तक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ सैंपल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एज अ सैंपल हाउ मच? 800 रुपीज़। अब भैया एक बात बताओ, सैंपल में क्यों देते हैं? वो एडवर्टाइजमेंट है। आप कई दुकान पे जाके देखना, वो आपको चखाएंगे, ये चख के देखो, ये चख के देखो। जैसे दिल्ली हाट में आप जाते हो, दिल्ली हाट में वो पापड़ मसाला, वो चना जोर, वो चना पापड़, वो हींग 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 दाना, वो आप वो डब्बा खोल के रखता है, आप उसको देखो, देखो उसका कॉस्ट है ना। वो आप तो जाके खाते हो, वापस आते हो, मूड करा तो ख़रीदा, बटर नहीं ख़रीदा, तो सैंपल है ना। तो सैंपल क्या है, वो कहीं ना कहीं बुक तो करेगा, क्योंकि उसका गुड्स तो नीचे आ रहा है ना, उसका गुड्स तो नीचे आ रहा है। तो उसका जब भी सैंपल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको अकाउंट्स की दुनिया में अपन लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। उसको क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? सैंपल मीन्स एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट गोज अप, परचेज गोज डाउन। एडवर्टाइजमेंट इज एक्सपेंस, किसका आइटम है? डेबिट का। परचेज किसका आइटम है? डेबिट का। सो एडवर्टाइजमेंट गोज अप, डेबिट होगा, परचेज गोज डाउन, क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 800 टू परचेज अकाउंट 800। नरेशन क्या लिखोगे? बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। सिंपल, यहीं तक दुनिया है बस, इससे ज़्यादा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लॉस्ट ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट 900, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट 900। चलो जी, वहाँ चला गया, 900 रुपये का नुकसान हो गया। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा? लॉस गोज अप, स्टॉक गोज डाउन। स्टॉक का दूसरा नाम है परचेज। अब ध्यान देखो, लॉस किसका आइटम है? डेबिट का। परचेज किसका आइटम है? डेबिट का। लॉस गोज अप को क्या करेंगे? डेबिट। परचेज गोज डाउन को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या होगा? लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट 900 टू परचेज अकाउंट 900। नरेशन में क्या लिखेंगे आप? बिंग लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट 900। सिंपल, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट 900। सिंपल, आपको यही काम करना है और कुछ नहीं करना है, दैट्स ऑल। अब आपके पास आता है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। देखिएगा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर वर्थ रुपीज 300। 300 रुपया का सामान आग लग के बर्बाद हो गया। क्या हुआ इम्पैक्ट? लॉस गोज अप, हाउ मच? 300 रुपया। अगेन परचेज, मतलब स्टॉक नीचे गया, मतलब परचेज नीचे गया। सो लॉस गोज अप 300, परचेज गोज डाउन बाय 300। लॉस किसका आइटम है? डेबिट का। परचेज किसका आइटम है? डेबिट का। सो लॉस गोज अप डेबिट, परचेज गोज डाउन क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट 300 टू परचेज अकाउंट 300। खल्लास। क्या है नरेशन? बिंग लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। सिंपल, यानी कि कहीं भी कोई लफड़ा नहीं है यार, एकदम खल्लास क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रहा है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय डैमेज। डैमेज हो गया, ओ पानी गिर के ना वो बर्बाद हो गया। मान लो चीनी है, ऊपर से पूरा पानी गिर गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया। ना चोरी हुई, ना आग लगा, डैमेज हो गया। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कितने रुपया का? 400 रुपये का। क्या कह रहा है? लॉस ऑफ स्टॉक बाय डैमेज। क्लियर ना? क्या इम्पैक्ट पड़ा? लॉस गोज अप। दूसरा क्या है? परचेज गोज डाउन। लॉस किसका आइटम है? डेबिट का। परचेज किसका आइटम है? डेबिट का। लॉस गोज अप डेबिट होगा, परचेज गोज डाउन क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो गया? लॉस ऑफ स्टॉक बाय डैमेज अकाउंट डेबिट 400 टू परचेज अकाउंट 400। नरेशन में क्या डालोगे? बिंग लॉस ऑफ गुड्स बाय डैमेज। सिंपल सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं करना। चलो जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर 22, प्रीपेड रेंट वर्थ रुपीज 200। प्रीपेड रेंट 200 मतलब क्या हुआ? प्रीपेड रेंट 200 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ध्यान से सुनो। अभी तक आप ये सोच रहे थे कि आप अकाउंट्स कंपनी का मेंटेन करते हो। यहाँ से दिमाग में ये सोचना कि आप कंपनी का अकाउंट फॉर ए फाइनेंशियल ईयर करते हो, फॉर ए फाइनेंशियल ईयर करते हो। मैं फाइनेंशियल ईयर को आपको समझाने के लिए कैलेंडर ईयर ले रहा हूँ। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से शुरू हुआ, 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ। 1 जनवरी से शुरू हुआ, 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ। 1 जनवरी से शुरू हुआ, 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ। ये अपन को देखना है, ये कैलेंडर ईयर है। अब ध्यान से देखना, हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम अकाउंट मेंटेन करते हैं ऑफ द क्लाइंट फॉर अ कैलेंडर ईयर। इस लैंग्वेज को ध्यान रखना। अकाउंट इज़ बीइंग मेंटेन्ड फॉर द क्लाइंट फॉर ए कैलेंडर ईयर। अकाउंट इज़ मेंटेन्ड ऑफ द क्लाइंट फॉर द कैलेंडर ईयर, ऑफ द एंटिटी फॉर द कैलेंडर ईयर, ऑफ द एंटिटी for the calendar year, of the entity for the calendar year, that is called the assessment year or that is called the financial year. We call it a financial year now. मैं आपको confuse नहीं करना चाहता, financial year क्या है, assessment year क्या है। वक्त पे ही चीज़ें समझनी चाहिए तो ज़्यादा है, वक्त के पहले वो confusion create करेगा। हम बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन एक बात समझ लीजिए, suppose 2020 चल रहा है, तो 2020 कब से start हुआ? 1 जनवरी से। 2020 चल रहा है तो 2020 स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो जो हम अकाउंट लिखेंगे वो अकाउंट लिखेंगे यानी इनकम इसी साल का होना चाहिए और एक्सपेंडिचर इसी साल का होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें इस साल में अगले साल का एक्सपेंडिचर का पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 20 में 21 का एक्सपेंडिचर का पेमेंट करना है, 20 में 21 का एक्सपेंडिचर का पेमेंट करना है, 20 में 21 का, यानी कि ये जो खर्चा पे किया ये 2020 का नहीं है, ये जो खर्चा है 21 का है, ये खर्चा 21 का है। तो आपको इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, आपको इसको कट ऑफ करना पड़ेगा, चूँकि आप अकाउंट मेंटेन करते हो ऑफ द क्लाइंट फॉर ए ईयर, ऑफ द क्लाइंट फॉर ए ईयर। ये ईयर कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, ये फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर मैं बोल देता हूँ 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, बरोबर ना? ध्यान रखना, ये एक बात ध्यान से सुनो, फिर से बोलो, किसके लिए मेंटेन होता है? एंटिटी का फॉर द ईयर, एंटिटी का फॉर द ईयर, राइट। अगर ये नहीं समझोगे तो आपको आउटस्टैंडिंग समझ में नहीं आएगा, अगर ये नहीं समझोगे तो आप प्रीपेड का मतलब नहीं समझोगे। अब छोटी सी बात देखो, मान लो ये 2020 है, 1 जनवरी से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर तक ख़त्म होगा। दिसंबर 1 को इलेक्ट्रिसिटी वाले आ गए और कहते हैं कि मुझे 21 का जनवरी फरवरी मार्च का पेमेंट दो वरना तुम्हारा काट दूंगा। अब बताओ, कंपनी चलाने के लिए दिसंबर के महीना में नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी मार्च का पेमेंट आप करोगे या नहीं करोगे? बताओ, करोगे या नहीं करोगे? बोलो, करोगे। आप बोलते होगे कि सर ये तो एग्जाम्पल लिया आपने, बहुत फिक्टिशियस एग्जाम्पल है, सचमुच में थोड़ी ऐसा होता होगा। बिल्कुल होता है। बिजनेसमैन के लिए ये जो दौर है अच्छा नहीं है। हर इंसान बिजनेसमैन की रेड मारता है, हर इंसान रेड मारता है। कई बार मुझे एज ए एंटरप्रेन्योर लगता है कि हम इतना टैक्स देते हैं, इतनी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करते हैं, हमसे अच्छा है वो व्यक्ति जो नौकरी करता है, उसको पता है कि कितना मिलना है और उसको पता है कि उसको कितना खर्चा करना है और चीज़ें चलनी है, राइट। क्योंकि बिजनेसमैन की कोई भी रेड मार के चला जाएगा। आपको पता होगा कोविड के दौरान क्या हुआ, पूरे के पूरे 3-4 महीना तक इलेक्ट्रिसिटी की एक भी बिल जला ही नहीं। जब ऑफिस खुला ही नहीं तो जला ही नहीं ना। बट चूँकि पहले 50,000 रुपया महीने आते थे एक फ्लोर का, तो उसी के हिसाब से फ्लोर काउंट करके उन्होंने बिल रेज कर दिया। अब आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो काट देंगे। फिर कनेक्शन के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। चलो क्या यार, मैं अपना दुखड़ा रोने लगा आपके साथ। बट यही तो बिजनेस है, यही तो चीज़ें हैं। जब आप धंधा करते हो, जब आप बिजनेस करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी वाले कहते हैं एडवांस पेमेंट कर दो, यानी अगले साल का दे दो, अगले साल का एडवांस पेमेंट दे दो, आपको देना पड़ेगा। अच्छा देखो, जब आप इनकम अकाउंट बनाते हो या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, तो आप जो है एक फाइनेंशियल ईयर या एक कैलेंडर ईयर का बनाते हो। नेक्स्ट ईयर का खर्चा जो इस ईयर में आपने कर दिया, ये बिजनेस का खर्चा तो है लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर का खर्चा नहीं है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में उसको आपको खर्चा मान ही नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मान लो कि ये आपका जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, 1 दिसंबर को आप 21 का ईयर 21 के जनवरी फरवरी मार्च का 10,000 10,000 10,000 30,000 रुपये अपने खर्चा दिया। क्या ये 20 में खर्चा है? क्या ये 20 का खर्चा है? चूँकि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर निकालना पड़ेगा, फॉर द ईयर निकालना पड़ेगा, फॉर द ईयर निकालना पड़ेगा। बात को अच्छी तरह से इसको समझना, फॉर द ईयर निकालना पड़ेगा। तो अगर मान लिया जाए कि कोई सरकारी जगह है, सरकार कहती है कि मुझे 3 महीना का रेंट दे दो, तो आप क्या करोगे? 3 महीना का रेंट दे दोगे। लेकिन क्या 20 में उसको खर्चा बुक करोगे? क्या रेंट अकाउंट बुक करोगे? क्या रेंट अकाउंट बुक करोगे? बताओ। आप कहोगे हाँ करूँगा? बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, 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 ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर। बराबर है, ये निकालना। यानी खर्चा इसी साल का होना चाहिए, इनकम इसी साल का होना चाहिए। अगर ये खर्चा इस साल का नहीं है तो आप इस साल के खर्चा में बुक कर ही नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? अब ध्यान से देखना, ट्रांजैक्शन आ रहा है प्रीपेड रेंट 200। कितना आ रहा है? प्रीपेड रेंट 200। तो ईयर ध्यान से सोचो, अगर ये 20 है तो प्रीपेड रेंट 200 का मतलब है कि 21 का खर्चा है जो अभी पे कर रहे हैं, तो उसको आज के दिन में खर्चा बुक नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? इसको एज ए एसेट ट्रीट करेंगे, एसेट ट्रीट करेंगे। तो ध्यान से समझना, तो क्या एंट्री होगा? जब हमने रेंट दे दिया 200, तो इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट देखो, कैश गोज डाउन, कैश नीचे आया, कैश गोज डाउन, खर्चा नहीं हुआ। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? प्रीपेड रेंट, ये हमारा एसेट होगा, प्रीपेड रेंट एसेट होगा। तो एंट्री क्या करेंगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या आ गया? प्रीपेड रेंट अकाउंट 200 टू कैश अकाउंट 200, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200। नरेशन होगा बीइंग रेंट प्रीपेड। अब ध्यान से सुनना, अब आगे समझो। तो ये 31 दिसंबर को ये खत्म हो गया, 31 दिसंबर 20 को ये खत्म हो गया साल, ठीक है। अब जनवरी से नेक्स्ट ईयर शुरू होगा। अब वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर एंट्री मारना पड़ेगा खर्चे का। तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? इसका मतलब रेंट खर्चा हो गया, तो रेंट खर्चा अकाउंट डेबिट होगा, और ये जो प्रीपेड रेंट था वो एसेट हो गया, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 21 में एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड अकाउंट 21 में एंट्री होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 में प्रीपेड को एज गुड एज कैश समझ के एसेट रखा गया, वो अगली बार एडजस्ट होगा, अगली बार एडजस्ट होगा। बट चूंकि अकाउंटिंग का सिस्टम है कि हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, मैं बेसिस को आपको समझाऊंगा जब मैं थियरी समझाऊंगा। अकाउंट्स के 2 बेसिस होते हैं, मर्केंटाइल बेसिस एंड कैश बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस को एक्रूअल बेसिस कहते हैं, मतलब समझ में आया? यानी कि कैश हो या आउटस्टैंडिंग यानी लायबिलिटीज़ हो, कैश हो या उधार हो, जो पहले होगा उसकी अकाउंटिंग करना पड़ेगा। सो अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस। तो आज अकर हुआ है, एक्रू हुआ है, तो आपको एंट्री मारना पड़ेगा। तो आज के साल में चूंकि खर्चा है ही नहीं, सी जो 200 रुपया हमने रेंट दिया, ये 200 रुपया रेंट 20 का खर्चा है ही नहीं, यानी 20 कैलेंडर ईयर 2020 का खर्चा है ही नहीं, लेकिन हम दे रहे हैं तो हम खर्चा बुक कर ही नहीं सकते। इम्पैक्ट को देखो, कैश नीचे जा रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे, डेबिट क्या कर लेंगे? प्रीपेड। प्रीपेड क्यों? चूंकि इस तरह का खर्चा नहीं है तो प्रीपेड अकाउंट हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर जब खर्चा करेंगे तो कैश नहीं जाएगा, ये प्रीपेड से एडजस्ट होगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा कानून है बच्चा, ऐसा कानून है कि आप अकाउंट मेंटेन करते हो ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा ग्लिम्स दे के जा रहा हूँ, समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जब मैं एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ाऊँगा फाइनल अकाउंट पढ़ाते समय तो इस सारे एंट्री को काफ़ी गहराई में लेके जाऊँगा और एक साल नहीं इसको 3 साल तक दिखाऊँगा कि 20 का 21 में, 21 का 22 में, 22 का 23 में, तो कैसे करेंगे। बट एक बात ध्यान रखना अपने दिमाग में, मेरे साथ 11 बार बोलना, हम अकाउंट मेंटेन करते हैं ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, बोलो ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, बोलो ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, अभी 3 ही बार हुआ है, फिर से बोलो ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, फिर से बोलो ऑफ द एंटिटी फॉर, हम अकाउंट किसका मेंटेन करते हैं ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, विच बेसिस एक्रूअल बेसिस, विच बेसिस एक्रूअल बेसिस, फिर से बोलो अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, 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 और जोर से बोलो ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, 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 फॉर द ईयर। बस तो आपने क्या किया, अब बताओ प्रीपेड रेंट है 200, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर का रेंट है या प्रीवियस ईयर का फेड, ये 20 है तो ये 19 हो गया, इधर 21 हो गया, ये 2020 है, 2019 हो गया, 22 है एंड 2021 है। तो ये जो खर्चा है प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब क्या है नेक्स्ट ईयर का पे हुआ, प्रीपेड का मतलब है नेक्स्ट ईयर का पे हुआ, प्रीपेड का मतलब क्या है नेक्स्ट ईयर का पे हुआ। तो इस साल का क्या खर्चा है, क्या नहीं होगा, क्या 2020 में खर्चा बुक होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन कैश गया है क्या, हाँ गया है, तो कैश को क्या करेंगे क्रेडिट और डेबिट क्या करेंगे प्रीपेड। प्रीपेड क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब खर्चा होगा तो इसी से ये एडजस्ट होगा। ओके तो एंट्री क्या हो गया, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 बीइंग व्हाट रेंट बीइंग प्रीपेड। ओके अब आता है आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 23। 23 क्या कहता है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ध्यान से देखना अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब, फिर से देखना ये भी प्रीपेड का आइटम हो गया। छोटी सा सवाल है, आप इंश्योरेंस कब का कराते हो, पूरे ईयर का कराते हो ना। आपका इंश्योरेंस मान लो कि जो गाड़ी है, गाड़ी कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, ठीक है, कंपनी की गाड़ी है, उस कंपनी की गाड़ी का दिसंबर 1, थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, जून 1 को इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है। तो इंश्योरेंस कितने साल के लिए जाता है, 1 साल के लिए जाएगा। तो मान लिया जाए कि 12,000 रुपीज़ इंश्योरेंस गया, तो 12,000 जो उसकी इंश्योरेंस गया क्या 31 दिसंबर तक के लिए है या 2021 के जून तक का लिए है, बोलो 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 बोलो, जून 2021 तक का है। 31 दिसंबर को जब आप अकाउंट्स बनाओगे तो आपको हिसाब देना पड़ेगा कि 12,000 में 6,000 जो इंश्योरेंस है वो तो 2020 का है और जो 6,000 है वो किसका है जी, बोलो बोलो 2021 का है। बड़ी बात समझ में आ रही है, अब ध्यान से देखना, जब आप जून को एंट्री करोगे, जून को एंट्री करोगे, अगर शुरुआत से ही क्लियर करते हो, एडजस्टमेंट के चक्कर में नहीं पड़ते हो, आप पहले ही से बहुत क्लियर हो, आप इंटेलिजेंट अकाउंटेंट हो, तो आप क्या एंट्री मारोगे, इंश्योरेंस अकाउंट 6,000, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट नेक्स्ट ईयर का 6,000 टू कैश अकाउंट, ये एंट्री मारो ताकि आपको गलत नहीं होगी। अब ये जो प्रीपेड 6,000 है क्या करोगे, 2021 में जाके एडजस्ट करोगे, इंश्योरेंस अकाउंट से खर्चा से करोगे एडजस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। चलो ये जनरल एंट्री है, ये एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, मैं आपको जनरल एंट्री समझाता हूँ, इसको एडजस्टमेंट में जाऊँगा तो और डीप लेके जाऊँगा, एकदम तार 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 करके आपको समझाऊँगा, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। अब छोटी सी बात है, ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या है जी, 500 है, क्लियर है, बहुत सिंपल सा सवाल है। दिसंबर का महीना चल रहा है, 2020 का दिसंबर का महीना चल रहा है और आपको पता है कि 1 तारीख यानी 1 जनवरी को आपका प्रीमियम ड्यू है कंपनी के कार का, तो उसका पेमेंट कब करोगे, दिसंबर में। आपको पता है कि वो नेक्स्ट ईयर का है, तो आज क्या एंट्री मारोगे? क्या 2020 का खर्चा है? नहीं है, तो क्या एंट्री मारोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट या इंश्योरेंस पेड इन एडवांस अकाउंट, टू कैश अकाउंट। समझ में आया? 500 and 500 नरेशन क्या करोगे? बीइंग अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस पेड। समझ में आया? ध्यान से देखना, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग आप सिर्फ तभी समझ पाओगे जब आपके जहन के अंदर ये बात जाएगी कि अकाउंट मेंटेन किया जाता है ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर। सो नेक्स्ट ईयर का अभी पेमेंट किया तो ये प्रीपेड है, एंड इस ईयर का नेक्स्ट ईयर में लेके जाओगे तो नेक्स्ट ईयर में उसको आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर ट्रीट किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सो कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपने खर्चा इस साल का है लेकिन पेमेंट अगले साल करोगे तो इस साल के लिए वो लायबिलिटीज हो जाएगा और अगले साल भी वो लायबिलिटीज ट्रांसफ़र होगा, फिर उसकी पेमेंट होगी। यानी कि ये कट ऑफ करना ही पड़ेगा। अगर आपके जहन में ये बात नहीं गई, आपके दिल में ये बात नहीं गई कि अकाउंट इज़ मेंटेन्ड ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, तो आप अकाउंटिंग सिस्टम को नहीं समझ पाओगे। आपको ये समझना ही पड़ेगा कि अकाउंट इज़ मेंटेन्ड ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, अकाउंट इज़ मेंटेन्ड ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर, अकाउंट इज़ मेंटेन्ड ऑफ द एंटिटी फॉर द ईयर। दैट्स क्लियर? तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि प्रीपेड का मतलब आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 24, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 600, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 600। ध्यान से देखना, ये 2020 चल रहा है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या हुआ? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब हुआ कि 2020 में 21 का कमीशन रिसीव्ड हो गया। अब बताओ, क्या ये 2020 का इनकम है? 21 का इनकम 20 में रिसीव्ड हुआ, 21 यानी 2021 का इनकम 20 में रिसीव्ड हुआ। क्या ये 20 का इनकम है? नहीं है। कानून क्या कहता है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर निकालोगे। तो ये 20 यानी इस ईयर का जिसका आप अकाउंट्स बना रहे हो, उसमें आप इसको इनकम बुक नहीं कर सकते। समझ में आई बात? आपको समझ में आई नहीं आई? तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इम्पैक्ट क्या हुआ? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 600। इम्पैक्ट क्या हुआ? कैश गोज अप एंड लायबिलिटीज गोज अप, यानी इस साल की लायबिलिटीज है फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो इन 20 इट विल बी लायबिलिटीज फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच? 600 टू कमीशन इनकम लायबिलिटीज अकाउंट, टू कमीशन इनकम लायबिलिटीज अकाउंट। ये लायबिलिटीज मेंटेन होगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम लायबिलिटीज अकाउंट या एडवांस कमीशन रिसीव्ड लायबिलिटीज अकाउंट, 600 and 600। और नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग एडवांस कमीशन रिसीव्ड, बीइंग एडवांस कमीशन रिसीव्ड। सिंपल। ट्रांजैक्शन नंबर 25 है एक्रूड रेंटल इनकम 700। ट्रांजैक्शन यहाँ आ गया, एक्रूड रेंटल इनकम कितना आ गया? 700। बहुत बढ़िया जी, 700 आ गया। अब देखो, एक्रूड रेंटल इनकम या ध्यान से, एक्रूड रेंटल इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम या इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। ध्यान से, एक्रूड रेंटल इनकम या एक्रूड इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, एक ही बिरादरी के हैं। इसको आराम से समझो। अगर आप समझोगे ना तो बहुत अच्छा से लिख पाओगे, अगर नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगी। और ये फाइनल तक कई स्टेज में आपको मिलेगा, कई स्टेज में आपको मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? ध्यान से, इन सब का एक ही मीनिंग है, एक्रूड इनकम या इनकम एक्रूड बट नॉट ड्यू। इनकम एक्रूड बट नॉट ड्यू, इनकम एक्रूड बट नॉट ड्यू या एक्रूड इनकम, चाहे रेंट हो चाहे इंटरेस्ट हो, इसका एक ही मीनिंग है। इसको समझोगे, समझो, अभी मैं समझा रहा हूँ। चलो जी, ध्यान से समझना, कंपनी की बात है, कंपनी के नज़रिया से समझते हैं। अकाउंट्स का ईयर है 2020, अकाउंट्स का ईयर है 2020, करेक्ट। आर लिमिटेड ने 1 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट कराया 1 साल के लिए, और इसने कराया ये 1 अक्टूबर को। अब ध्यान से देखो, ये 1 ईयर है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट कराया 1 ईयर के लिए, ठीक है, 1 ईयर के लिए 12% इंटरेस्ट रेट पे। तो आर लिमिटेड ने यस बैंक के पास, आर लिमिटेड ने यस बैंक के पास एफडी कराया 1 लाख रुपया। अब बताओ, ये मैच्योर्ड होगा, 1 साल के लिए कराया ना, तो ये कराया था 1 अक्टूबर को, तो उधर चले जाओ तो ये जाके फर्स्ट नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर 2021 को मैच्योर होगा। ओके, मैच्योर होगा। अब ध्यान से देखना, 1 अक्टूबर 2020 को इसने एफडी कराया और वो जाके मैच्योर होगा 1 अक्टूबर 2021 को, 12 मंथ के बाद, ठीक है, बरोबर। टोटल इंटरेस्ट इनकम कितना बन रहा है? 12,000 पर मंथ। कितना बन रहा है? 12,000 अपॉन 12, 1,000। ध्यान से, 31 दिसंबर 2020 को अकाउंट्स क्लोज होगा। अब बताओ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना का इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, नहीं हो गया? एक्रूड हो गया। लेकिन क्या कंपनी यस बैंक से ये इंटरेस्ट मांग सकती है क्या? क्या इंटरेस्ट मांग सकती है क्या? क्या ये इंटरेस्ट मांग सकती है क्या? बोलो 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 बोलो, क्यों? एक्रूड तो हो गया 3,000 रुपया, लेकिन ड्यू कब होगा? 1 अक्टूबर 2021 को। लेकिन इस साल का इनकम है, लेकिन इस साल का इनकम है, इस साल का इनकम है। तो 2020 में जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा, 2020 में जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो बताओ, ये 2020 में 3,000 रुपया इनकम हुआ, नहीं हुआ? हुआ। इनकम किसका आइटम है? क्रेडिट का। तो इंटरेस्ट इनकम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। डेबिट क्या होगा? एसेट। कौन सा एसेट? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू अकाउंट, कुछ भी नाम ले लो, एक ही है। सो एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम नॉट ड्यू एक ही बात है, इनकम एक्रूड बट नॉट ड्यू एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि इनकम की कमाई हो गई है, लेकिन हम उसको रिसीव नहीं कर सकते, वो ड्यू नहीं है, वो ड्यू नहीं है। तो 2020 में क्या एंट्री होगा? 2020 में एंट्री होगा, 2020 में एंट्री होगा, इनकम गोज अप, इनकम अकाउंट क्रेडिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। ये 2021 में होगा। जब ये नेक्स्ट ईयर जाएगा, नेक्स्ट ईयर जाएगा, तो फिर इसकी एसेट जाएगा। इनकम तो इस साल के इनकम में आ गया, जब आपने इनकम ले लिया, इंटरेस्ट इनकम ले लिया, चाहे कुछ भी रेंटल इनकम ले लिया, जो भी है, तो इस साल के इनकम अकाउंट में आ गया, इस साल का पीएल अकाउंट में आ गया। एक्रूड एज एसेट वहाँ चला जाएगा। तो जब पैसा आएगा 2021 में, देन कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये एक्रूड इंटरेस्ट है वो क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा, यानी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ये हमने ड्रामा? चूंकि कानून ये है कि आपको अकाउंट मेंटेन करना है फॉर द ईयर, यानी कि एक साल यानी जो फाइनेंशियल ईयर है या जो कैलेंडर ईयर है आप उसी के रेस्पेक्ट में अकाउंट मेंटेन करेंगे। यानी कि हमेशा याद रखना कि दो चीज़ें, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एंटिटी का है या नहीं है, और दूसरा जो गिवन कैलेंडर ईयर है उसका है या नहीं है, गिवन फाइनेंशियल ईयर है का है या नहीं है। इसीलिए जब आप फाइनल अकाउंट पे आओगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका पॉइंट हो जाएगा कि ईयर क्या दिया हुआ है। ईयर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ऐसे भी आपके ज़िंदगी में डेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो डेट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं चाहता हूं कि यहीं पे इसी क्वेश्चन में पूरे के पूरे कंसेप्ट को तोड़ दूं, फोड़ दूं एकदम, अगर मस्त यार ख़त्म करो इस कंसेप्ट को। और एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आया तो परेशान ना होना, क्योंकि अभी तो सवाल का दौर बाकी है, अभी चीज़ों का दौर बाकी है, तो आपको मैं समझाऊंगा। और ये ईयर वाली बात जब मैं फाइनल अकाउंट बताऊंगा तो डमी एग्जाम्पल लेके सीरीज ऑफ द ईयर की बातें बताऊंगा, आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा, एकदम कंठस्थ। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? सिंपल। सो अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 25 आ रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर पॉइंट है एक्रूड रेंटल इनकम अकाउंट 700। अब बताओ क्या ये इस साल का इनकम है या नहीं है? क्या इस साल का इनकम है या नहीं है? इनकम है, तो इनकम है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इस साल का इनकम है तो क्रेडिट होगा, तो रेंटल इनकम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या कैश आया? क्या नहीं? क्या हम कैश ले सकते हैं? क्या नहीं? क्यों? चूँकि ड्यू नहीं हुआ है। क्यों? चूँकि ड्यू नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे? एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंटल अकाउंट, तो जनरल एंट्री होगा एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम अकाउंट, हाउ मच? 700 एंड 700। और ब्रैकेट में नरेशन में हो जाएगा इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड और नॉट रिसीवेबल। आराम से हम एंट्री करते हुए निकल जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब आता है पॉइंट नंबर 26, दैट इज ट्रांजैक्शन 26। और ट्रांजैक्शन 26 है आउटस्टैंडिंग सैलरी 250। आउटस्टैंडिंग सैलरी 250। चलो जी, यहाँ पे आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी 250। अगेन ये ईयर से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 20 है, यानी कि ये 20 का खर्चा है, लेकिन 20 के अंदर पेमेंट नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ये लायबिलिटीज़ है, यानी कि खर्चा तो हुआ लेकिन लायबिलिटीज़ है। खर्चा तो हुआ लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, खर्चा तो हुआ लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, खर्चा तो हुआ लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। तो अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस गोज अप विल बी डेबिटेड, लायबिलिटीज गोज अप विल बी क्रेडिटेड। तो सैलरी गोज अप डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट हाउ मच? 250 एंड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 250। तो ये नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा, और नेक्स्ट ईयर जब पेमेंट करेंगे तो आउटस्टैंडिंग डेबिट हो जाएगा चूंकि लायबिलिटीज गोज डाउन, एंड कैश क्रेडिट होगा चूंकि कैश गोज डाउन नेक्स्ट ईयर। इस साल क्या हुआ? खर्चा इस साल का है तो इस साल बुक करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, एंट्री खत्म। दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड। अब हमारे पास आ जाता है ट्रांजैक्शन नंबर 27। ट्रांजैक्शन नंबर 27 क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एक्रूड बट नॉट पेड। ये खर्चा है, देखिएगा ठीक उसी तरह से हुआ, यानी कि एक्रूड हो चुका एक्सपेंसेस लेकिन पेमेंट नहीं होगा। पेमेंट कब होगा? वो अगली बार होगा, अगली बार होगा, लेकिन खर्चा अभी का है। सो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एक्रूड बट नॉट व्हाट पेड, तो ये खर्चा है, तो 350 and that is what's coming, interest expenses accrued but not paid 350। इम्पैक्ट क्या हुआ? इंटरेस्ट एक्सपेंस। दूसरा क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो सिंपल पॉइंट है, ये आउटस्टैंडिंग का नेचर है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट 350। क्या है? बीइंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नॉट पेड, ऊपर करो, बीइंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नॉट पेड। हमारे पास आ रहा है ट्रांजैक्शन नंबर 28। ट्रांजैक्शन नंबर 28 क्या है? देखिएगा interest income accrued but not received or interest income due but not received. ड्यू बट नॉट रिसिव्ड, सिंपल, ये इनकम है, वही एंट्री हो गया. इनकम इस साल का है तो क्रेडिट होगा, पैसा नहीं मिला तो एक्रूड होगा. मैं जानबूझ के फिर से यहाँ लेके आया ताकि उस बात को फिर से रिवाइज करा सकूँ. इस साल का इनकम है, इनकम गोज अप, इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा और एसेट खड़ा हो रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. तो हम एंट्री मारेंगे वॉट, सिंपल, एक्रूड इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 450. नरेशन क्या होगा, बिंग इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू. ध्यान रखना, इस तरह के आइटम को आगे भी हम बहुत डील करेंगे. मैंने यहीं पे क्यों लिया, चूंकि मैं चाहता हूं कि यहीं पे अकाउंट्स की सारी चीज़ें तोड़ दिया जाए, तो आगे ये रिवीजन की तरह हम यूज करेंगे. दैट्स अ पॉइंट वे गोइंग अहेड. नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट नंबर 29. 29 क्या है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, यानी कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है बट पेमेंट नहीं हुआ, लाइबिलिटीज हुआ. अमाउंट कितना है, अमाउंट इज कमिंग 550. इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू है, आप ट्रांजैक्शन यहाँ आ गया. इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो हुआ एक्सपेंस, इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे पड़ा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज पे पड़ा. तो एक्सपेंस गोज अप डेबिट होगा, लाइबिलिटीज गोज अप क्रेडिट होगा. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 550 टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट 550. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, सिंपल. अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं और ये ट्रांजैक्शन नंबर 30 है, रेंट ड्यू. रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ड्यू टू लैंडलॉर्ड मतलब ड्यू हो गया लेकिन पेमेंट नहीं दिया, तो एक्सपेंस गोज अप, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. लैंडलॉर्ड क्या है, लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहा है तो हम आउटस्टैंडिंग रेंट, सिंपल. आप चाहते भी हो लिखना कि रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट प्रेफरेबली आउटस्टैंडिंग रेंट कर दो, नरेशन में लिख दो. तो रेंट गोज अप, डेबिट का आइटम है, गोज अप डेबिट. आउटस्टैंडिंग क्रेडिट का आइटम है, गोज अप क्रेडिट. तो एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट 650 टू आउटस्टैंडिंग रेंट 650. ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बिंग रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड. दैट्स ऑल. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अलाउ 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 750. अलाउ 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 750. अब बताओ, कंपनी ऑनर को इंटरेस्ट दे रही है, अब बताओ कंपनी के लिए खर्चा है या नहीं है, खर्चा है, लेकिन पार्टनर्स का सैलरी हो या पार्टनर्स का इंटरेस्ट हो, ऑनर का सैलरी हो या ऑनर का इंटरेस्ट हो, उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होता है. अब बताओ, कंपनी इंटरेस्ट दे रही है ऑनर को, कंपनी इंटरेस्ट दे रही है ऑनर को, तो कंपनी का ये कॉस्ट है या नहीं है, कंपनी का ये कॉस्ट है या नहीं है, बिल्कुल है. तो एक्सपेंस गोज अप डेबिट एंड साथ में लाइबिलिटीज, कैपिटल इज अ लाइबिलिटीज आइटम, क्रेडिट आइटम गोज अप क्रेडिट. सो कि इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, तो एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट होगा, कैपिटल इज अ क्रेडिट आइटम, लाइबिलिटीज गोज अप तो क्रेडिट होगा. तो सिंपल सा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 750. जनरल एंट्री बहुत क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 750 टू कैपिटल अकाउंट 750, सिंपल. आपको अगर एक बात डेबिट का आइटम पता चल गया, क्रेडिट का आइटम चला गया पता, तो आपको अकाउंट्स में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी. नेक्स्ट पॉइंट नंबर है 32, ट्रांजैक्शन नंबर 32, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. हाउ मच, 850. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 850, सिंपल. ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है. यहाँ पे क्या है, भाई साहब ने जो ड्राइंग किया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, भाई साहब ने जो दिया उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो कंपनी का इनकम है या नहीं है, बोलिए, कंपनी का इनकम है या नहीं है, बोलिए, कंपनी का इनकम है या नहीं है, बोलिए, 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 कंपनी का इनकम है. तो कंपनी के बुक के आप अकाउंटेंट हैं, तो इनकम है तो इनकम गोज अप क्या होगा, क्रेडिट. इनकम गोज अप अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट. बट ये कहाँ जाएगा, ड्राइंग में. तो क्या होगा, जब लास्ट में ड्राइंग का अकाउंट दिखेगा, लास्ट में जब ड्राइंग का बैलेंस दिखेगा, तो उसमें जो भाई साहब ने पैसा लिया था वो भी होगा और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कंपनी ने इनके ऊपर चार्ज किया था वो भी होगा. तो ड्राइंग अकाउंट डज नॉट इंक्लूड ओनली एंड ओनली व्हाट द मनी बी ड्रॉन बाय व्हाट द प्रमोटर. or the entrepreneur or the owner, that also include the interest on that charged by their company. So आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉइंग अकाउंट ऑल्सो इंक्लूड द इंटरेस्ट चार्ज बाय द कंपनी ऑन द ऑनर, करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट. ड्रॉइंग अकाउंट ऑल्सो इंक्लूड द इंटरेस्ट चार्ज बाय द कंपनी. तो ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी का इनकम है, तो इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा और ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि अलग से उसका अकाउंट नहीं खोलेगा. कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे आप डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार हर महीना ये ड्राइंग कर रहे हैं ना भाई साहब, और हर महीना इंटरेस्ट लग रहा है, तो बार बार कैपिटल अकाउंट को छेड़ेंगे तो कैपिटल अकाउंट तो भिदक जाएगा, कैपिटल अकाउंट नजर ही नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट इधर उधर हो जाएगा. राइट, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, मेरी भावनाओं को समझिए. तो ड्राइंग, सो ध्यान से कहेगा, ड्राइंग भी ड्राइंग में होता है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ड्राइंग में होता है, तो एंट्री क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम. राइट, तो एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट 850 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट. नरेशन क्या होगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम क्रेडिटेड, या बिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यू, ऐसे करना पड़ेगा. अब बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम है या एक्सपेंडिचर? कंपनी के लिए इनकम है या लॉस? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम है या लॉस? इनकम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए एक्सपेंस है या प्रॉफिट? एक्सपेंस. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कंपनी में डेबिट होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, लॉस है कंपनी का, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इनकम गोज अप, विल बी क्रेडिटेड. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है और ये आखिरी है, इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपिटल बाय चेक, इंट्रोड्यूसेस additional capital by check 50,000. How much? 50,000. Simple. Company में क्या हुआ? Bank ऊपर गया, capital ऊपर गया, bank goes up will be debited, capital goes will be credited. General entry क्या होगा? Bank account debit 50,000 to capital account 50,000. Narration में क्या होगा? Being additional capital introduced. ध्यान से देखिएगा, दुनिया भर के जितने भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है. कुछ आपको समझ में आए होंगे, कुछ समझ में शायद थोड़ा कम आए होंगे, लेकिन जो थोड़ा कम आए होंगे आप ये समझना कि उसकी मैंने बुनियाद करा खड़ी है आगे को समझाने के लिए, और उस समय बहुत डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपके जेहन में बिल्कुल बैस जाए. राइट, दैट इज़ द पॉइंट. फिर मैं इसको ख़त्म करने के पहले इस कानून को, अब क्वेश्चन आप साफ यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा जनरल एंट्री है, सीने के सामने ये कानून है, ये डेबिट का आइटम है, ये क्रेडिट का आइटम है. डेबिट का आइटम में पूरा एसेट्स है, एक्सपेंस है, लॉस है, एसेट में फिक्स एसेट है एंड अदर एसेट है, यानी कि नॉन करेंट एंड करेंट सारे एसेट्स हैं. क्रेडिट के आइटम में आप यहाँ देख रहे हैं कैपिटल है, लायबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ है, और आप देख रहे हैं सेल्स है, इनकम है, प्रॉफिट एंड गेन है. रूल आप देखिए, एनी ट्रांजैक्शन विच हैज़ गॉट इम्पैक्ट टू इंक्रीज द आइटम ऑफ डेबिट साइड, दैट डेबिट आइटम विल बी डेबिटेड. एनी ट्रांजैक्शन विच हैज़ गॉट इम्पैक्ट टू रिड्यूस द आइटम ऑफ डेबिट साइड, that item will be credited. Any transaction which has got impact to increase the item of the credit side, that item will be credited. Any transaction which has got impact to reduce the item of the credit side, that item will be debited. यही दुनिया है अकाउंटिंग का. समझने की कोशिश कीजिए, अभी हमारी शुरुआत की जर्नी है और मुझे आपसे वादा है कि अकाउंट्स आपके जहन में डाल दूंगा. So, are you committed to get 100% marks in your accounts? Say I am committed. Say I am committed. Say I am committed. Yes, you are committed. Thank you very much. God bless you.